राजनीतिक प्रस्ताव आपके सामने रखा है। इसमें आज देश की जो समस्या है, जिस समस्या के लिए हम जूझ रहे हैं, उस सभी समस्याओं को इसमें लिखा गया है। इस राजनीतिक प्रस्ताव के कुछ बिंदु रवि प्रसाद शंकर जी ने आपके सामने रखे हैं, लेकिन मेरे नजर में आज तक आजादी के बाद जितनी सरकारें हिंदुस्तान ने देखी है, उसमें सबसे भ्रष्ट सरकार ये मनमोहन सिंह की है। और सबसे अच्छी सरकार अगर हिंदुस्तान ने कोई देखी है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सबसे अच्छी सरकार थी। ये सरकार आम आदमी की बात करके सत्ता में आई, आम आदमी के हित की बात की गई, लेकिन आम आदमी के हित को आप नजरअंदाज किया गया है। इतनी भ्रष्ट, इतनी अकार्यक्षम और इतनी निकम्मी सरकार आज तक हिंदुस्तान के जनता ने नहीं देखी है। आज तक कहा जाता था कि मनमोहन सिंह की प्रतिमा क्लीन है, वो अर्थशास्त्री है, लेकिन कोलगेट घोटाले से ये भी पता चला है कि वो भी संदेह के परे नहीं है। 142 माइन बिना किसी टेंडर से, बिना किसी प्रक्रिया से अलॉट किए गए। जब ये माइन अलॉट हुए तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कोल मंत्रालय उनके पास था। और ऐसा होते हुए ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी वो कैसे टाल सकते हैं? इसके लिए सरकार किसी जांच के लिए तैयार नहीं है। अभी अभी यशवंत सिन्हा जी ने एक पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था, वो अहम है। उन्होंने एक सवाल कोल मंत्री, आप जिनके पास है उस कोल मंत्री को सवाल किया कि सीबीआई ने महत्वपूर्ण 40 फाइलें कोल मंत्रालय से मांगी है, क्या ये कोल मंत्रालय ने सीबीआई के पास भेजी है क्या? मंत्री ने जवाब दिया कि ये फाइलें अभी तक हमारे पास है, अभी तक ये सीबीआई को जांच के लिए हमने नहीं भेजी है। सरकार कोई जांच नहीं चाहती, और कोई जांच हो रही है तो उसमें बाधाएं निर्माण करती है कि ये सरकार क्लीन नहीं है और सरकार किसी भ्रष्टाचार की जांच करके सच हिंदुस्तान के जनता के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। घोटाले के बाद घोटाले, अभी लगता था घोटाले खत्म हुए, उसमें हेलीकॉप्टर का घोटाला आया। ये हेलीकॉप्टर के घोटाले में घूस दी गई है, अगर हिंदुस्तान में जांच होती तो इसका पता नहीं चलता, लेकिन इटली सरकार ने कहा है कि 350 करोड़ रुपए की घूस दी गई है। ये हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ है, इसमें घूस दी गई है, लेकिन ये घूस किसको मिली है इसके नाम हिंदुस्तान के जनता के सामने आने चाहिए, और ये नाम जनता के सामने लाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अभी अभी रवि प्रसाद शंकर जी ने कहा कि वो जेपीसी की जांच चाहते हैं, और जेपीसी की जांच चुनाव के पहले पूरी नहीं होगी, और जो घूस जिसने खाई है उसके नाम जनता के सामने नहीं आएंगे। सरकार का जो ये रहा है कि सारे भ्रष्टाचार के जो प्रकरण है वो ठंडे बस्ते में डालने की सरकार की साजिश है, लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उनकी पोल खोल करने का काम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद और नक्सलवाद। इस आतंकवाद और नक्सलवाद को भी रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जान हथेली पर लेकर हमारे मुख्यमंत्री वहां नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के इस यूपीए सेकंड के
यूपीए 2 के जमाने में नक्सलवाद आतंकवाद कमजोर होने के बजाय इसमें बढ़ोतरी हुए। यूपीए 2 के जमाने में 25 जगह बम विस्फोट हो गए हैं। मुंबई में बम विस्फोट हुआ और गए सप्ताह में हैदराबाद में भी बम विस्फोट हुआ। ये तो रोकने में तो सरकार विफल हो चुकी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुंबई और हैदराबाद में आतंकवादी हमले करने वाले हैं, इसकी जानकारी मुझे 2 दिन पहले थी। ये जानकारी थी तो केंद्र और राज्य सरकार ने क्या किया? क्या वो ये बम विस्फोट रोक पाए? केवल जानकारी रखना ये सरकार का फर्ज है। और उन्होंने कहा कि 2 दिन मेरे मंत्रालय ने राज्यों को अवगत किया गया था। इसका मतलब आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है और जो कड़े कदम उठाने चाहिए वो कड़े कदम नहीं उठाए गए। कड़े कानून होने चाहिए, ऐसा गृह मंत्री ने कहा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कोटा और ताड़ा के कानून किसने रद्द किए? हमारे जमाने में एक कड़ा कानून लाने का काम आडवाणी जी ने किया था, लेकिन अल्पसंख्यकों के मतों की तुष्टिकरण के कारण वो कानून भी कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया। आतंकवाद के साथ बांग्लादेश के घुसपैठियों का भी संकट बहुत बड़ा गहरा बनता जा रहा है। आसाम में सदियों से जो आदिवासी रहते आ रहे हैं उनके जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। गोलपाड़ा जिले में 20 आदिवासियों का नरसंहार हुआ और उसके बाद जो हिंसाचार की घटना हुई उसमें 50 आदिवासी मारे गए और 2 लाख आदिवासी निर्वासित होकर दूसरी जगह चले गए। उन आदिवासियों के जमीन पर ये घुसपैठिया बांग्लादेशी कब्जा कर रहे हैं। ये आदिवासियों के जमीन पर का कब्जा नहीं, बांग्लादेशियों का हिंदुस्तान के जमीन पर कब्जा है। कल जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही थी तब मेघालय के एक प्रतिनिधि ने कहा, ये अभी आसाम का ही प्रश्न नहीं है, मेघालय में भी बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठिया आ रहे हैं। अरे आसाम की मेघालय की बात छोड़ो, महाराष्ट्र के मुंबई में जो सर्वे किया गया है उसमें 45,000 बांग्लादेशी वहां रहते हैं, ये सत्य बाहर आया है। अभी अभी एक घटना हुई वहां आसाम में, तो हिंसा हो रही है। नई मुंबई में बांग्लादेशियों की बस्ती है, उस बांग्लादेशियों को पकड़ने, कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए नई मुंबई की पुलिस की तो उन बांग्लादेशियों ने पुलिस पर हमला किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और एक पुलिस की जान गई। नई मुंबई में आकर ये घुसपैठिया पुलिस पर हमला कर रहे हैं और सरकार कोई कड़े कदम उठा नहीं रही है। इसलिए नक्सलवाद, आतंकवाद और बांग्लादेश के घुसपैठियों की ये जो हमारी समस्या है, उस समस्या को निपटाने में केंद्र की सरकार विफल हो चुकी है। देखिए कि इसमें अभी जो यूपीए का 2nd टर्म है, जिसका हम हमारे सभी नेताओं ने कुशासन ऐसे उसके लिए शब्द प्रयोग किया है, एक कुशासन को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना है और कुशासन का पर्याय भारतीय जनता पार्टी सुशासन से दे सकती है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी नहीं है, देश में महंगाई बढ़ी है और जो वादे सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। इस सरकार की कमियां, इस सरकार की कमजोरियां और इस सरकार की विफलता, इस सरकार का भ्रष्टाचार और इस सरकार की नाकामियां हमको गांव-गांव जाकर गिनानी है और ऐसी विफल सरकार हमको फेंक देने का संकल्प करना है। ऐसी इतनी बात रखकर मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव को मेरा अनुमोदन देता हूँ।